सो ऑलराइट गाइस, आज का जो ब्लॉग होने वाला कुछ इस तरीके से शुरुआत होने वाली, क्योंकि क्या हुआ, मुझे अचानक से राजा का कॉल आया और उसको कुछ टी शर्ट के सैंपल्स मुझे देने थे, तो उसके लिए मुझे यहाँ से अभी निकलना पड़ेगा कन्नौज के लिए। तो अभी मेरे दोस्त का फ़ोन आया, उसके बाइक में क्या हुआ एक्चुअली, उसके बाइक में अंदर से गया कीड़ा घुस, मतलब कीड़ा या चूहा जो भी था वो घुस गया अंदर से एंड वो वहाँ पर मर गया। इतना गंदा महक रहा है ना, तो उसको सही कराने के लिए हम लोग आए हुए थे यामा के शोरूम पर अभी। तो ये वही लोकेशन है जहाँ पर मैंने अपनी बाइक सर्विसिंग कराई थी एंड अब यहाँ से हम लोग सीधा निकलेंगे अपने कन्नौज के लिए। जो वहाँ का सीन होगा वो भी मैं बता दूंगा। ये ब्लॉग थोड़ा रॉ रहेगा क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं मेरे पास अभी करने को, और मुझे अभी कुछ अच्छी सी ट्रिप भी मैंने प्लान की है, तो मैं वहाँ पर भी जाना हूँ। तो आई होप आपको मजा आएगा एंड मेक श्योर आप सारे चैनल को सब्सक्राइब करो जरूर। सो ऑलराइट गाइस, अभी इसको लगेगा यहाँ पर टाइम, हम लोग हो रहे हैं लेट, तो हम लोगों को निकलना पड़ेगा कन्नौज के लिए। वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल एबी जियर। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आपने देख ही लिया ब्लॉग की शुरुआत कैसे हुई एंड अभी हम लोग निकल चुके हैं गुरसाईगंज से एंड जो टाइम हो रहा है वो अराउंड हो रहा है 1:30 के अराउंड टाइम हो रहा है। हम लोगों को वहां पर ज़्यादा कुछ है नहीं काम करने को, बस टी शर्ट के कुछ सैंपल्स राजा को पकड़ाने हैं वो काम है एंड अगर कुछ घूमूंगा आप आगे देख ही लेंगे। तो गाइस ये बहुत सीन रहता है, कुछ लोग अपना ना स्टैंड लगा के, ये देखो एक सेकंड में बता देता हूँ। स्टैंड हटा लीजिए भैया, स्टैंड हटा लो स्टैंड। देखो भाई कैसे लोग चलते हैं रोड पे, स्टैंड लगाता अभी तो अच्छे काम भी मैं कभी कभी कर लेता हूँ। जो लास्ट ब्लॉग था वो भी इसी जीटी रोड पर मैंने शूट किया था, जिसमें मैंने सीट कवर इंस्टॉल किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखो एंड शेयर करो गाइस, सब्सक्राइब भी करो। मुझे ये लग रहा है कि मैं अभी पहला यूट्यूबर हूँ कन्नौज से, मतलब इन दिन मैं इस तरीके का ब्लॉग कर रहा हूँ मोटो ब्लॉगिंग, क्योंकि यहाँ पर इतना लोग जानते नहीं हैं इस चीज़ को। मुझे बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है जब मैं पब्लिक में ब्लॉग करने की ट्राई करता हूँ, मैं नहीं कर पाता हूँ असल में सच बोलूँ तो, बट मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि आगे जो राइड मेरी होने वाली है अभी वो बहुत ही ज़्यादा अब मज़ेदार होने वाली है, उसमें अगर मैं पब्लिक में भाई बात करूँगा तो आपको भी मज़ा ही नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो मैं उस पर भी अभी ट्राई कर रहा हूँ, पब्लिक में मैं शूट करने का भी प्रयत्न कर रहा हूँ एंड आई एम प्लानिंग टू बाई अ न्यू GoPro विच इज़ 6 or 7, आई डोंट नो मुझे कौन सा मिलने वाला है, जो भी मिलेगा मैं उस पर ब्लॉग बनाऊँगा तो आपको तो पता ही चल जाएगा। तो अभी हम लोग आ चुके हैं खुदलापुर, जिसको हम लोग जलालाबाद भी बोलते हैं, एंड यहाँ से जो कन्नौज है वो अराउंड पड़ेगा 15 किलोमीटर्स। तो हम लोग अभी आराम से जाएंगे वहाँ पर, मैं ज़्यादा भगाऊँगा नहीं, आराम से ही जाऊँगा। देख रहे हो कैसा बस चला रहा है वो, ये है यहाँ के बस। ओ शिट, आप यहाँ पर राजस्थान के भी मज़े ले सकते हैं। गाइस बहुत ही गंदा चला रहा है वो बस। अभी क्या है ना कि यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो अभी सब ऐसा ही हो रखा है एंड दिस इज, यहाँ से कुछ तो बाईपास जाने वाला है। एंड गाइस मैं अभी सोच रहा हूँ कि इस पर क्या है, मैं माइलेज टेस्ट भी वीडियो में बना दूँ आफ्टर फर्स्ट सर्विस। कमेंट करो अगर चाहते हो मैं बनाऊँ, तो मैं डेफिनेटली बनाऊँगा ब्लॉग। काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है यहाँ पर रोड का। अभी हम लोग आ चुके हैं जसोदा एंड यहाँ से जो कन्नौज की डिस्टेंस बची है पूछ बची है सिर्फ 10 किलोमीटर्स एंड जो मैं बहुत जल्दी से कवर कर लूँगा, मैं ज़्यादा स्पीड में नहीं जा रहा हूँ, बहुत ही आराम से जा रहा हूँ। कन्नौज में आप कैमल के भी मज़े ले सकते हैं। मजाक था, बहुत ही रेयरली दिखते हैं यहाँ पर।
एंड गाइस कमेंट करो आपको किस तरीके के ब्लॉग पसंद हैं। अभी राइट नाउ मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, सिर्फ मोटो मैं बाइक से रिलेटेड ही ब्लॉग डाल रहा हूँ एंड काफ़ी सपोर्ट भी मिल रहा है मुझे आप लोगों की तरफ से। बट आप लोग किस तरीके के ब्लॉग देखना चाह रहे हो एक बार कमेंट करो गाइस, तो मुझे भी आइडिया लग जाएगा एंड मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा एंड मैं उस पर ट्राई करूँगा ब्लॉग बनाने का। तो एक क्या है, मेरा फ्रेंड आएगा तो यहाँ पर मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि यार पता है यार मैं भी पब्लिकली ब्लॉग नहीं कर पाता हूँ। तो गाइस यार मिलते हैं फिर, चलो चलो गाइस निकलते हैं अभी यहाँ से। एंड गाइस ये लोग बोल रहे थे गांव की साइड जाने से, बट मैंने बोला कि गांव की साइड थोड़ा रोड ठीक नहीं है एंड सीधा चलते हैं मेन रोड से। यहाँ से हम लोगों को लेना है लेफ्ट, सॉरी राइट, क्योंकि हम लोगों को GT रोड पर जाना है। तो राइट नाउ आई एम राइडिंग दिस थंडरबर्ड 350 विच इज़ लिमिटेड एडिशन बाइक। अभी ये बाइक नहीं आती, बच के थोड़ा सा भाई, दिस इज़ द रियल ब्यूटी ऑफ आर कन्नौज। अबे इसका हॉर्न ही काम नहीं करता भाई, कल खराब कर दिया था। चलाते तो देख लो भाई, ऐसे लोग हैं भाई, अपनी गाड़ी के कुछ नहीं करते ठीक से। और एक हम है जो हर 2-3 दिन में अपनी बाइक को वॉश कराते हैं। गाइस इसका जो एग्जॉस्ट साउंड है ना वो बहुत ही मक्खन सा लग रहा है मुझे, चलाने का जो फीलिंग है क्योंकि इसका हैंडल बहुत ही ऊपर है। तो यहाँ से हम लोगों को लेना है, दिस इज ये जो जगह है ये मकरन नगर है एंड यहाँ से हम लोगों को लेफ्ट लेना है। पुलिस वाले चाचा थे यहाँ पर, नॉट टू बट बेसिकली ये रोड है ये जाती है सीधा लाखन चौराहा। आज है गांधी जयंती, इसको लेके यहाँ पर शॉप जो है चाचा सर के बंद हैं। जिसमें तो हॉर्न ट्रांजिशन मैं कर ही नहीं सकता क्योंकि इस गाड़ी में तो हॉर्न ही नहीं है। बट कोई नहीं, अभी तो हम लोग आ चुके हैं SBS ग्राउंड से, एज यू कैन सी दिस इज SBS ग्राउंड एंड यहाँ से हम लोग को चलना है सीधे। ऑलराइट गाइस अभी हम लोग आए हुए थे SBS ग्राउंड पे, तो यहाँ पर था एक फालूदा की ठेली, तो हम लोग वहाँ पर अभी फालूदा पी रहे हैं। एजुकेशन ये राजा है एंड दिस इज पवन एंड दिस इज प्रांशु, हरामी है सबसे ज़्यादा। तो अभी हम लोग इसको एंजॉय करते हैं एंड फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे, पता नहीं कहाँ जाने वाले, जो जहाँ पर भी जाएंगे आपको पता ही चल जाएगा। तो ऑल राइट गाइज अभी फालूदे का कार्यक्रम हो चुका है ख़त्म एंड हम लोग जा रहे हैं अभी अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ से, जो क्या है आपको समझ में आ गया होगा टाइटल देख के। तो अभी राजा मेरे को वहाँ पर लेके जाएगा क्योंकि मैं गुस्साएगंज में रहता हूँ एंड राजा यहाँ पर रहता है, उसको ज़्यादा अच्छे से पता है। ऑल राइट हम लोग को यहाँ से चलना है ऊपर। देख लो भाई कितना स्टीप है, बहुत ही ज़्यादा ऊपर ऊँचा लग रहा है एंड ये है आई थिंक सो कुछ तो किला है, मुझे नहीं पता, मेरे को नाम नहीं मालूम, बट आगे मैं अभी बता दूंगा। सो ऑल राइट जी ये जो लोकेशन थी यही था वो। तो ये जो है बावन खंबा है, काफ़ी मिस्टीरियस है मैंने सुना है, लेट्स सी कैसा होता है। सो ऑल राइट हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी पोजीशन में, मैंने बाइक अपनी जो है पार्क यहाँ पर कर दी है एंड अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे किले की तरफ, जो मुझे, मैं इससे पहले कभी आया नहीं हूँ तो दिस इज माई फर्स्ट टाइम, जो भी होगा मैं आपको बता दूँ। लोग यहाँ से जाना है ऊपर की तरफ। काफी ऊंची ऊंची सीढ़ियां हैं यहाँ पर। तो अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं यहाँ पर, मुझे लग रहा है शूज उतारने पड़ेंगे। चलो शूज उतारने के बाद मिलते हैं। ऑल राइट गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे। तो अभी जो आप देखने वाले हैं ये है 12 खंबा। यहाँ की जो कहानी है वो बहुत ही ज्यादा पेचीदा है, मुझे समझ में नहीं है क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर 52 खंबे हैं जो काउंट नहीं कर सकते, जिनको हमेशा कुछ कभी कम आता है तो कभी ज्यादा आता है। थक गया भाई, अब नजर ये है, दिस इज 52 खंबा।
एक्सप्लोर करते हुए अभी राजा ने बताया जो पीछे जो लोकेशन है वो दिख नहीं रहा होगा, मैं अभी दिखा दूंगा जूम करके। क्या बालापीर? बालापीर भाई मेरे को नहीं मालूम, सामने देख रही ये है बालापीर। अभी तो नहीं जाऊंगा मैं, बाद में कभी जाऊंगा, तब तक आप व्यू एंजॉय करो। एक्सप्लोर करते करते हमको मिल चुके हैं यहाँ पे लोकल गाइड, जो हम लोग यहाँ से गाइड करेंगे। तो बताइए पवन जी, हम लोगों को भी क्या करना है यहाँ पे? अरे सर हिंदी बोले, हिंदी ऑडियंस। हम लोगों को यहाँ से पिलर काउंट करना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है 52 है, लेकिन आप हर बार चेंज हो जाता है, कभी 51 कभी 52। चलो काउंट करके देखते हैं, अगर सही निकलता तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं निकलता तो भी बता दूंगा। सो ऑलराइट गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे घूम चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं बाइक की तरफ और फिर हम लोग जाएंगे कुछ खाने के लिए। ऑल राइट गाइस, यहाँ का कार्यक्रम कर चुके हैं हम लोग ख़त्म, एंड अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से। काफ़ी धूप है तो ज़्यादा देर तक यहाँ रुक नहीं सकता हूँ, तो हम लोग को फटाक से निकलना पड़ेगा। अभी चाबी कहाँ है? चाबी यही है, टेंशन मत लो। यहाँ से मुझे लग रहा है चालू करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड इसके जो फाउंडर हैं वो हैं राजा जी। देखिए कितना स्मूथ जा रही है। अभी ये तो बहुत तेज निकल गई। ये रहे हमारे राजा भैया, ज़्यादा ही धूप है यहाँ पर तो इतना ज़्यादा रुकेंगे नहीं। तो अभी निकल रहे हैं हम लोग कुछ खाने के लिए, एंड उसके बाद हम लोग वापस जाएंगे घर के लिए। आप वैसे यहाँ पर आ सकते हो, वैसे अंदर एक मस्जिद भी है, काफ़ी सही था। मेरा फर्स्ट टाइम आया हुआ था तो आई थिंक ठीक था, एंड जो ट्रुथ था कि 52 खंबे हैं तो हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, एक्चुअली सबके ऊपर नीचे आ रहे थे। हम लोगों ने भी जब काउंट किया, मैंने वो पार्ट शूट नहीं किया, बट जब हम लोगों ने वो पार्ट काउंट किए तो सबका कुछ ना कुछ डिफरेंस था। तो मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा मिस्टीरियस है। अगर आप कन्नौज आते हैं तो आप ज़रूर विजिट करें, और कुछ कुछ जगह बहुत ही ज़्यादा स्टीप है तो आपको काफ़ी संभल कर बाइक राइड करनी पड़ेगी। अगर आप एक्सपीरियंस राइडर हैं तो कोई टेंशन ही नहीं है, समझ रहे हो ना। यहाँ से हम लोगों को लेना है राइड, क्योंकि मुझे लगी है भूख। इन लोगों को तो लगी नहीं, क्योंकि ये लोग तो खाकर आए हुए थे, मुझे अचानक से बुला लिया तो मुझे लग रही है भूख। मैंने बोला राजा को लेके चलो मुझे खाने के लिए, तो वो फाइनली रेडी हो गया है, अभी हम लोग जा रहे हैं। तो गाइस मिलते हैं सीधे रेस्टोरेंट में, तब तक के लिए इंजॉय करो। सो गाइस यहाँ का अभी कार्यक्रम हो चुका है ख़त्म, अभी हम लोग एक लोकेशन पे जा रहे हैं जहाँ पर मैं कुछ सिनेमेटिक शॉट्स निकालूंगा अपने बाइक के, तो आप उसको भी इंजॉय करिए, एंड ब्लॉग को और ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। आफ्टर सिनेमेटिक मैं वीडियो को एंड कर दूंगा, अभी यहाँ से हम लोग निकलते हैं। ऑलराइट गाइस, आई होप आपको ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अभी फाइनली शूट कंप्लीट हो गया है, एंड आपको सिनेमैटिक पसंद आए होंगे आई एम श्योर। तो गाइस बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कभी अच्छे से इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। बाय बाय।